कोरोना संकट काल में जैसे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के बीच डिप्रेशन यानी कि अवसाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जैसे हर रोग का उपचार भी अलग होता है, वैसे ही हर डिप्रेशन का उपचार भी अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चों में या सीनियर सिटीजन में डिप्रेशन पाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही डिप्रेशन किसी यूथ में यानी कि युवा में भी पाया जाए। इसलिए डिप्रेशन अलग तो उसका उपचार भी अलग। आज हम बताने वाले हैं कि युवाओं के बीच में किस तरह का डिप्रेशन बढ़ रहा है और उसका उपचार क्या है। न्यूज तक से खास तौर पर बात की है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर साइकोलॉजिस्ट आरती आनंद ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उपाय बताए, आइए सुनिए। गुस्सा आना, बेचैनी, घबराहट, गुमसुम रहना, सैडनेस यानी कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी के लक्षण देखे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन यंगस्टर्स में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस और उसके लक्षणों पे है कि कहीं मुझे ना हो जाए, या अगर हो गया तो क्या होगा, या इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो सारी की सारी हम खबरें उसी के बारे में देख रहे हैं। इसी कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे, आप किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और किसी से अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे, आपका रूटीन टूट गया है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरी और एक और वजह भी है कि जो आपका आपका काम, आपके पास काम नहीं रहा, तो जो आप अपना सारा का सारा टाइम काम में व्यतीत करते थे, वही टाइम आप मीडिया, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं या नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं उस पर, जिससे वो आप पर हावी हो रही हैं। रेगुलर शेड्यूल बनाइए, जैसे घर में आप अपने घर के काम काजों में आप अपना हाथ बटाएं। दूसरा, आप अपनी हॉबीज़ जो आप कुछ सालों से नहीं कर सकते थे उन्हें अपनाएं, जैसे कि पेंटिंग, रीडिंग, लर्निंग म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट, कुछ लोग तो गार्डनिंग भी कर रहे हैं, और अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा वक्त बिताइए उनके साथ, एक हेल्दी एटमोसफेयर में रहिए, क्वालिटी टाइम व्यतीत करिए उनके साथ, गेम्स खेलिए, इंडोर कार्ड, एक्सरसाइज भी रूटीन करना चाहिए, यानी कि योगा करिए या आधा घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए रोज, 15-20 मिनट्स मेडिटेशन कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इससे आप में बहुत पॉजिटिविटी आएगी।